जैसे आज का हमारा टॉपिक है परमोटेशन डेफिनेशन. सपोज एस इज अ फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देन ए वन वन मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट्सेल्फ इज कॉल्ड अ परमोटेशन. अब इसमें दिया क्या है कि हमारा एस कोई सेट है और दूसरा को एक एस सेट की दूसरे एस सेट पे मैपिंग है. यदि उस मैपिंग वो यदि वन वन और ऑन टू है तो उस सेट की उस मैपिंग को हम कहेंगे परमोटेशन इसमें. और जो सेट की डिग्री क्या है एन, यहाँ पे यही गिवन है. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट एस इज नोन एज द डिग्री ऑफ द परमोटेशन. तो अभी हम जैसे अभी हमने टर्म यूज़ करी डिग्री, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उस सेट में वो हमारी क्या होगी डिग्री ऑफ परमोटेशन. सिंबल फॉर परमोटेशन, अब सिंबल ऑफ परमोटेशन जैसे लेट हमने एक एस सेट मान लिया एन परमोटे एन डिग्री का है, एन एलिमेंट है इसमें क्योंकि ए वन ए टू अप टू ए एन. बी आ फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट यानी कि एन डिग्री हो गई उसकी. इफ़ मैपिंग एस टू एस, जैसे अभी हम डिस्कस एक मैपिंग है उस सेट से उस सेट पर एंड एफ इज वन वन एंड ऑन टू, देन एफ इज अ परमोटेशन ऑफ डिग्री एन. यदि हम इस मैपिंग को वन वन और ऑन टू प्रूफ कर दें विद रेस्पेक्ट टू एनी ग्रुप या किसी ये सेट के वन वन और ऑन टू प्रूफ कर दें, ग्रुप की कंडीशन तो बाद में प्रूफ होगी, तो ये जो हमारी मैपिंग है परमोटेशन मैपिंग होगी ऑफ डिग्री एन. लेट एफ ए वन, यदि ए वन की हम मैप एफ फंक्शन करते हैं यानी कि एफ मैपिंग करते हैं तो वो बी वन पर मैप होती है, एफ ए टू बी टू पर, एफ ए थ्री बी थ्री पर, अप टू ऐसी एफ ए एन बी एन पर, वेयर बी वन बी टू बी थ्री इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री. यहाँ पे क्या है कि बी वन बी टू बी थ्री से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि एक मैपिंग है, मैपिंग में हमारा एक फंक्शन आ जाता है एफ या कुछ फाई कुछ भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे जैसे एफ लिया है तो हमने जो एफ ए वन इक्वल टू ए वन ही है लेकिन हमने उसे बी वन से रिप्रेजेंट कर दिया जिससे वो मैपिंग कन्फ्यूज ना हो. यहाँ पे यही दे रखा है बी वन बी टू बी एन इज नथिंग बट सम अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, कुछ अलग नहीं है ये अरेंजमेंट है एलिमेंट का. अब वी फाइंड इट कन्वर्ट टू द इंट्रोड्यूस आ टू लाइन नोटेशन टू राइट आ दिस परमोटेशन. अब हमने इसे टू लाइन परमोटेशन में कर दिया, करा क्या हमने कुछ नहीं करा, इसमें ए वन ए टू ए एन हमारे एन डिग्री के एक सेट था, अब उसकी हमने मैपिंग भी शो कर दी है तो ये टू डिग्री नोटेशन हो गया हमारा. ए वन की किस पर मैप हो रहा, बी वन पर, जो एफ ए वन था वैसे ए वन के इक्वल ही है लेकिन ये एक तो हमारी आइडेंटिटी मैपिंग शो हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग भी ऐसी होती है तो कन्फ्यूज ना हो तो इसलिए हमने बी वन बी टू टर्म यूज करी है, वैसे इक्वल ही है. ए वन मैप होता है बी वन पर, ए टू मैप होता है बी टू जैसे एफ ए टू पर, ए थ्री मैप होता है ए एन पर, इसी तरीके से यहाँ पर हमने मैपिंग शो कर दी. अब हमारी नेक्स्ट टर्म है इक्वालिटी ऑफ टू परमोटेशन. अब टू परमोटेशन इक्वल कब होगी, हम कब बोलेंगे टू परमोटेशन इक्वल है, जैसे एग्जांपल है हम एग्जांपल से ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर हमने चार डिग्री की एक परमोटेशन ले ली क्योंकि चार एलिमेंट है. वन किस पर मैप हो रहा, टू पर, टू किस पर मैप हो रहा, थ्री पर, थ्री किस पर मैप हो रहा, फोर पर, फोर किस पर मैप हो रहा, वन पर, इस तरीके से हमारी मैपिंग पता लग गई. अब एक जी हमने एक अनदर परमो एक एफ फंक्शन ले एक फंक्शन ले लिया, एफ फंक्शन नहीं जी फंक्शन एक ले लिया, उसकी भी डिग्री एन वो फोर है तो टू फोर थ्री वन. अब टू किस पे मैप हो रहा है, थ्री पर, और इसमें टू किस पे मैप हो रहा था, थ्री पर, तो ये इक्वल है, जो मैप टू की इधर है वो इधर है. अब फोर किस पे मैप हो रहा, वन पर, इसमें फोर किस पे मैप हो रहा, वन पर. अब थ्री किस पे मैप हो रहा जी फंक्शन में, फोर पर. अब इसमें थ्री किस पर मैप हो रहा, फोर पर. इसी तरीके से वन किस पर मैप हो रहा है, टू पर, यहाँ पे वन किस पर मैप हो रहा है, टू पर. यानी कि सभी की मैपिंग जो है हमारी इक्वल है, अरेंजमेंट हमारे अलग अलग कर दिए हमने आगे पीछे कर दिए लेकिन मैपिंग इक्वल आ रही है. यदि इस तरीके की कोई मैपिंग हो तो हम इक्वलिटी ऑफ टू मैपिंग उन दोनों मैपिंग को इक्वल लग देंगे. कुछ मैपिंग हमारी ऐसी आएंगी जिसमें हमें कंडीशन दे दी जाएगी ये कि दोनों मैपिंग इक्वलिटी की कंडीशन फॉलो करती हैं तो उनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए, तो हमें एक साइड की वैल्यू दे रखी होगी कि वन टू पे मैप हो रहा है तो इधर भी वन टू पर मैप हो जाएगा डायरेक्टली, तो हमें उस तरीके से इस तरीके क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है एक्स वाई जेड की वैल्यू.
तो इस तरीके से हम इस मैपिंग की क्वालिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब